आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए फैसले के बावजूद भारत इस साल वैश्विक बाजार में 6 मिलियन टन चीनी से अधिक चीनी बेच सकता है। विश्व व्यापार संगठन के एक पैनल ने भारत के साथ चीनी सब्सिडी को लेकर व्यापार विवाद में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला के पक्ष में फैसला सुनाया और भारत को वैश्विक नियमों के अनुरूप व्यापार करने की सलाह दी है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के माने तो उनके अनुसार सरकार द्वारा अभी चीनी के लिए कोई निर्यात सब्सिडी नहीं दी जा रही और इसीलिए भारतीय चीनी निर्यात के संबंध में डब्ल्यूटीओ पैनल के आदेश का चीनी निर्यात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौजूदा 2021-22 विपणन वर्ष के लिए भारत ने निर्यात सब्सिडी को हटा दिया है। सब्सिडी के चलते भारतीय मिलों को 2020-21 सीजन में 7.2 मिलियन टन चीनी का रिकॉर्ड निर्यात करने में मदद मिली है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने कहा है कि भारत ने चीनी और गन्ने के लिए अत्यधिक घरेलू समर्थन और निर्यात सब्सिडी प्रदान करके विश्व व्यापार संगठन के नियमों को तोड़ा है। इस्मा के महानिदेशक व्यापार संगठन के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन के फैसले के खिलाफ अपील करेगा लेकिन अंतिम फैसले तक अपनी मौजूदा नीतियों को जारी रख सकता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कहना है कि भारतीय चीनी मिले इस साल 35 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए पहले ही अनुबंधित है और साल के अंत तक 60 लाख टन से अधिक का निर्यात कर सकती है। आपको बता दें कि भारत ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि उनके द्वारा की गई सहायता डब्ल्यूटीओ के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।